Hello students, in this session we are going to learn standard 7 maths. Exercise number 12.1, question number 2. First, identify the terms and their factors in the following expressions and show the terms and factors by tree diagram. तो tree diagram draw करके हमें इसके terms and इसके factors इसको दिखाने हैं. So first one is x minus 3. तो पहले इसका एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज x माइनस 3. नाउ इसके टर्म्स है, तो टर्म्स कौन कौन से हैं, x एंड माइनस 3. नाउ इसके फैक्टर्स जो है वो हमें ट्री डायग्राम से शो करने हैं. सो ये इज अ ट्री डायग्राम, x माइनस 3. फर्स्ट यहाँ पे टर्म है x एंड सेकेंड टर्म है यहाँ पे माइनस 3. नाउ x का फैक्टर क्या है, ओनली x, एंड माइनस 3 का फैक्टर है ओनली माइनस 3. सो टर्म्स है यहाँ पे x एंड माइनस 3 एंड फैक्टर्स है इसके x एंड माइनस 3. डन. सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पे है आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. तो थ्री टर्म्स है यहाँ पे, कौन कौन सी थ्री टर्म्स है, 1 x एंड एक्स स्क्वायर. नाउ इसके फैक्टर्स हम देखेंगे बाय ट्री डायग्राम. सो इसकी टर्म्स है 1 x एंड एक्स स्क्वायर. नाउ 1 का फैक्टर है ओनली 1, x का फैक्टर है x. नाउ ये इज एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स. एक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आया होगा. तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स. सो फैक्टर्स है इसके 1, x, x एंड x. सी एक्सप्रेशन इज y माइनस y क्यूब. सो टर्म्स है इसकी 2, फर्स्ट इज y एंड सेकेंड इज अ माइनस वाई क्यूब. तो एक्सप्रेशन इसके है, इसके टर्म्स है y माइनस वाई क्यूब. तो y का फैक्टर ओनली y. नाउ यहाँ पे माइनस y का क्यूब, तो माइनस y यानी कि माइनस 1 होगा, कोई नंबर नहीं है आगे, तो नंबर क्या होगा, 1. माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रखेंगे. सो माइनस y का फैक्टर है माइनस 1 एंड y को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, 3 टाइम्स, तभी जाके यहाँ पे क्यूब आया है. सो 1 y, देन अगेन y एंड अगेन y. सो y इंटू y इंटू y कितनी टाइम्स लिखेंगे हम, 3 टाइम्स. सो दीज आर द फैक्टर्स, y माइनस 1, y एंड y. नेक्स्ट इज d. एक्सप्रेशन में है 5xy square प्लस 7x square y. तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, 5xy square एंड सेकेंड इज 7x square y. टर्म्स इसके यहाँ पे हम लिखेंगे. नाउ इस टर्म्स के हम फैक्टर्स यहाँ पे शो करेंगे, 5x 1 टाइम्स, 5x ईयर, देन ये इज अ y 2 टाइम्स, सो यहाँ पे y आएगा. ओके, 5x y एंड y, देन 7x स्क्वायर y. सो 7x स्क्वायर है 6 2 टाइम्स, x इंटू x एंड देन y. क्लियर. देन नेक्स्ट इज e. माइनस ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर. सो 3 टर्म्स है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हमने लिखी है. नाउ एक एक टर्म के हम अलग अलग फैक्टर्स करेंगे. माइनस ए बी का माइनस 1 ए एंड बी, 2 बी स्क्वायर का 2 एज इट इज बी स्क्वायर, सो बी एंड बी. माइनस 3 ए स्क्वायर, सो माइनस 3 का माइनस 3 एज इट इज ए स्क्वायर, सो यहाँ पे ए इंटू ए. क्लियर. सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट.